गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मानस, तुम्हारे जो है कि गूगल पे मेरा पिक दिख रहा है, ऐसा क्यों? नो सर, मैंने तो कुछ नहीं करा सर। और को भी यस, दिख रहा है क्या? कृष वर्मा, बताओ ये मानस के प्रोफाइल में मेरा पिक दिख रहा है? सर मुझे तो नहीं नो दिख सर, रहा। अब चेंज हुआ है। अच्छा, वो लेफ्ट कर दिया मीटिंग। अब दिख रहा है क्या? नहीं, अब नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कुछ इंटरनल प्रॉब्लम, कुछ टेक्निकल इशू। ठीक, तो तुमने हाईजैक तो नहीं कर लिया अकाउंट मेरा? नो सर। ठीक। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? व्हाट वी वर स्टडी? प्रिंट सर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। हाँ, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इससे पहले जो भी पढ़ा दिया, सब क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस अर्नव, एनटीएससी की अच्छी तैयारी चल रही है? यस सर। लग तो नहीं रहा है। अच्छी तैयारी करो। ओके सर। मानस, तुम बताओ। सर ठीक चल रही है सर। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कर रहा था अभी। नेशनलिज्म इन इंडिया देख रहा था सर। नेशनलिज्म इन इंडिया देख रहे थे कि पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे मतलब हो गया वो। अच्छा, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए बता दोगे? यस सर, कोशिश तो रहेगी अच्छा, बरदोली सत्याग्रह कब लॉन्च हुआ था? सर। मैंने एनसीईआरटी लेवल का पढ़ा था सर बस। हाँ, बरदोली एनसीईआरटी का ही पूछ रहा हूँ मैं। सर नहीं पढ़ा है सर, एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी फिर से देखो, कहीं आपको ब्लू बॉक्स मिलेगा, वहां पर बरदोली सत्याग्रह के बारे में डिस्कशन है। ओके सर। सर मैंने वो चीज़ नहीं देखी थी। ओके सर। चलो कोई बात नहीं। 1942 में क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने के बारे में कुछ बताओ, क्या हुआ था? सर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था सर, जितना मुझे पता है। जितना तुम्हें पता है उसमें और भी कुछ पता होगा। कौन सर सा मैंने बस रेजोल्यूशन पास हुआ था? एनसीआरटी में तो सर 1930 मतलब उस 40s के बाद का तो कुछ गिवन ही नहीं है बिल्कुल है, तुम ठीक से देख ही नहीं पा रहे हो। फिर तो तुम कहोगे सर ये आउट ऑफ एनसीईआरटी आया है। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है सर। मानस। एनसीईआरटी अच्छे से देखो, वेबसाइट पे जो एनसीईआरटी अवेलेबल है वो भी देखो, जो तुम्हारे पास अवेलेबल है वो भी देखो। क्या तुमने कंप्लीट किया है पूरी तरीके से? ओके राइट, सर मैं देखता हूँ। अर्नब तुम जानते हो? यस सर। बारदोली सत्याग्रह तो याद है सर, वल्लभ भाई पटेल जी ने 1928 में ये था। हाँ, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको जो टाइटल सरदार मिला है वो वहीं से मिला है। और उसके बाद आपका 1942 में क्या पढ़े हो? सर 42 का तो क्विट इंडिया ही याद है सर, उसके अलावा याद नहीं है। कैसी बातें मतलब कर रहे हो तुम लोग? और कृष शर्मा तुम बताओ। सर क्विट इंडिया ही तो हुआ था उस साल हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट था, ठीक है, और भी उसके बारे में कुछ सर। एक शायद बताओ। कांग्रेस सेशन के बारे में भी पढ़ा था मैं। अच्छा ठीक है, और अरे और भी बहुत सारी बातें हैं उसी में लिखी हुई हैं, वो सारी बातें भी यस सर। सर बताओ। एक पॉइंट याद आया सर, वो गांधी जी ने कोई डू एंड डाई स्पीच भी दी थी, यस, कर अमरो। डू एंड डाई का नारा, 8 अगस्त 1942। यस सर। चलो तैयारी अच्छे से करो, अब आपको मालूम चल गया होगा कि आप लोगों की तैयारी क्या है। यस सर, पता ठीक चल है, गया। चलो प्रिंट कल्चर में आते हैं हम लोग, देखते हैं कहाँ पे है प्रिंट कल्चर आपका। इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, राइट? यस सर। यस प्रिंट कल्चर में मैंने कितना पढ़ा दिया है आप लोगों को? सर, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन हो गया था और सर द फर्स्ट प्रिंटेड बुक के बारे में पढ़ लिया था। चाइना के बारे में पढ़ लिया था? यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है मुझे चाइना के बारे में? रेज योर हैंड।
हाँ बताओ वरना। कैमरा स्विच ऑन करो और बोलो। यस सर, यस सर। सर जो चाइना है, सर इसी के साथ साथ चाइना, जापान और कोरिया में यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ था, और ये अराउंड 594 AD के टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ था। और चाइना में जो स्टार्टिंग में प्रिंटिंग टेक्निक्स थी वो एक तरह से हम जो आज स्टैम्पिंग करते हैं उससे रिलेटेड था, जिसमें वो वुड ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते थे, और जो प्रिंटेड बुक्स होती थी उस समय की वो केवल वन साइड प्रिंटेड ही होती थी और वो स्टिच्ड की जाती थी उसके बाद। और फिर क्योंकि उस समय कोई प्रिंटिंग का वैसी मशीनरी नहीं थी, इसलिए बुक्स को कॉपी करते थे कैलीग्राफिस्ट्स। और चाइना का जो प्रिंटिंग में ट्रेड कहा जाए या प्रिंटिंग में उसका मनी मेकिंग कहा जाए वो बहुत ही ज़्यादा था 15th सेंचुरी में भी और 16th सेंचुरी में भी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि चाइना के पास बहुत ही एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी थी, जिसमें रिक्रूटमेंट वो एग्जाम्स सिविल एग्जाम्स टाइप से लेते थे, तो कैंडिडेट्स के पढ़ने के लिए जो बुक्स थी वो बहुत ज़्यादा प्रिंट होती थी, और फिर 17th सेंचुरी के बाद ये और ज़्यादा प्रिंट होने लगी। ओके और तुमने अकॉर्डियन बुक का नाम लिया है क्या? ओ यस सर, सर वो कॉडियन बुक जो फर्स्ट बुक थी, जो मतलब उस टाइम उस स्टैम्प नहीं, वुड ब्लॉक टाइप टेक्निक से जो प्रिंट होती थी कॉडियन बुक। अकॉर्डियन बुक। और ये मुझे बताया आपने जो है कि मैकेनिकल प्रेस के बारे में, फिर उसके बाद आपने क्या मुझे ये बताया कि धीरे धीरे पब्लिशिंग बढ़ती गई, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, वो इन्वॉल्व हो गए, से फिर उसके बाद वेमेन्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब रीडिंग करना पसंद कर रहे हैं, ये सब बातें बताएंगे। नो सर, सर ये पॉइंट स्किप हो गए गलती से। ऑटोबायोग्राफीज लिखे जा रहे हैं, फिक्शंस लिखे जा रहे हैं, यस सर, शंघाई शंघाई के बारे में नहीं बताया। सर ये पॉइंट स्किप हो गए गलती से। मानस, यस सर, हाथ क्यों छुपा रहे हो? सर आपने बता दिया तो सब कुछ। अच्छा बताओ। यस सर, सर जो स्किप किए सर वो बता दो सर। 17th सेंचुरी के बाद सिर्फ हाँ स्कॉलर्स ही नहीं मतलब बुक को पढ़ते थे सर, उसके बाद वो बुक्स धीरे धीरे मर्चेंट्स भी यूज़ करने लगे, उनसे उनका बिजनेस काफ़ी अच्छे से होता था। और सर रिच वुमेन जो है सर, वो रिच वुमेन भी और सर बाकी लोग भी लेजर एक्टिविटी की तरह बुक रीडिंग देखते थे, प्रिंट हाँ का वहाँ पे भी यूज़ होता था सर। और जो वुमेन्स हैं सर वो अपनी खुद की पोइट्री भी सर पब्लिश कराती थी, और उसके अलावा सर लेजर एक्टिविटी का मैंने बता दिया। और सर जब 19th सेंचुरी के टाइम पे जब वेस्टर्न थोड़ा वेस्टर्न कल्चर जब मतलब वेस्टर्न प्रिंट वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जब चाइना में आई, तो सर उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे सर जो शंघाई है वो एक प्रिंटिंग हब नया निकल गया है सर। वहाँ पे प्रिंटिंग होती थी बहुत ज़्यादा, उन वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न एरिया को फीड करने के लिए मतलब वो एक हब निकल के आया। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे चलो ठीक है। और किसी को सर, वो लगता है मैंने कि देख लिया सर, मेरी ओल्ड एनसीईआरटी में दोनों में से कोई भी पॉइंट नहीं है सर, न्यू में चेक कर लिया। न्यू में है? यस सर, मेरी पता नहीं सर 5-7 साल कब की पुरानी है, अभी देख लिया। कौन सा हिस्ट्री का जो मैंने बताया है? यस सर, एक 1942 वाला भी देख ले सर, और वो जो सत्याग्रह आपने बताया था, बरदोली सत्याग्रह सर, ना। दोनों ही नहीं था मेरी बुक में। थैंक और यू सर। वही वही एनसीईआरटी, वही जो है एनटीएससी में आता, और तुम कहते जो है कि पढ़े ही नहीं, यस सर, एनसीईआरटी मैं लिया भूल ही नहीं। देता सर। ओके थैंक यू सर। हाँ और बताइए, किसी को कुछ कहना है? स्किप ईयर कौन सा ईयर जाहिर बताओ, कौन सा ईयर है बताओ। जैद यू कैन स्पीक। AD 594। यस गुड। और किसी को कोई पॉइंट? हाँ ठीक है, ऑनवर्ड्स। चलो तो अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रिंट विल मूव, राइट, प्रिंट विल स्प्रेड। अब स्प्रेड जब हो रहा है प्रिंट, तो आपको क्या लगता है, सबसे पहले कोई भी चीज अगर रिलीज होती है, ठीक है, तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगी? मतलब सपोज आपके यहाँ आपने कुछ प्रिंट करना शुरू किया, तो सबसे इमीडिएट आप किसको दोगे, कहाँ पे वो उसका इन्फ्लुएंस होगा सबसे इमीडिएट? सर लोकल एरिया में आपके मतलब आपका लोकल एरिया आप समझ गए, ठीक है हमारा लोकल एरिया, उसके बाद इमीडिएटली कहाँ जाएगा? सर, कंट्री में नेबर, राइट, सर, नेबरहुड, नेबरिंग कंट्रीज, नेबर, यस नेबरिंग कंट्रीज। तो अब क्या होगा, यू विल फाइंड दैट प्रिंट विल मूव
राइट, फ्रॉम चाइना टू जापान। अब जापान में देखते हैं क्या होता है। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए, ठीक है, जैसे कि क्या वो चीजें हैं, बेसिक चीजें, ठीक है। प्रिंट कहीं पे भी इवॉल्व होगा, ठीक है, तो जब वो इवॉल्व होगा कहीं पे या फिर फ्लरिश करेगा, तो फ्लरिश करने का कारण होगा टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी में चेंजेस, पहले हैंड रिटेन था, ठीक है, फिर जो है कि हैंड रिटेन, फिर वुड ब्लॉक, फिर उसके बाद मैकेनिकल टाइप, फिर प्रिंटिंग प्रेस आ जाएगा। ये सब इतने ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी बढ़ती, मतलब इस टेक्नोलॉजी के बढ़ने का कारण क्या है, इस टेक्नोलॉजी के इवॉल्व होने का कारण क्या है? बिकॉज मोर एंड मोर पीपल नाउ आर लुकिंग फॉर रीडिंग, आर लुकिंग फॉर बुक्स, आर लुकिंग फॉर प्रिंटिंग, राइट, प्रिंटेड मटेरियल। तो अब यहाँ पे अब प्रिंटेड मटेरियल की डिमांड बढ़ रही है, देन पब्लिशर्स एज वेल एज दोज हु आर कैपिटलिस्ट, एक्चुअली लेट मी टेल, दे वुड डेफिनेटली लाइक टू हैव सम काइंड ऑफ इनोवेशन, राइट, दे विल डेफिनेटली लाइक टू हैव अ टेक्नोलॉजी थ्रू विच दे कैन फुलफिल दिस डिमांड विच इज एवर ग्रोइंग, राइट। दे विल लाइक टू सेल मोर एंड मोर प्रिंटिंग मटेरियल्स, राइट। तो अब इसमें जो है फिर धीरे धीरे ये प्रिंटिंग प्रेस का जो है कि कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इवॉल्व होके आएगा, और ज्यादा से ज्यादा मार्केट में प्रिंट क्या करना जाए, प्रिंट क्या किया जाएगा, स्प्रेड किया जाएगा। प्रिंट के स्प्रेड होने से फायदा क्या होगा, टेक्नोलॉजी जो है कि सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, सोसाइटी में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। लोग पहले पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ कुछ जो है छोटे ही सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो थी वो पढ़ी लिखी थी। अब क्या होगा, प्रिंटिंग के जरिए वो जो नॉलेज था, जो कन्फाइंड था एक बाउंड्री में, अब उस बाउंड्री से वो निकल कर अदर सेगमेंट, अदर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी में भी क्या होगा, डिसमिनेट होगा, स्प्रेड होगा। लोग जो है ज्ञान को प्राप्त करेंगे, एनलाइटनमेंट होगा। अब ज्यादा ज्ञान होगा, ठीक है, तो क्या होगा, लोग फिर ज्यादा ज्ञान होने के कारण अब क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे, दे विल डेवलप रीजनिंग, दे विल डेवलप लॉजिक, बिकॉज दे आर नाउ लिटरेट। अब वो जब लॉजिक पूछेंगे, देन दे विल डेफिनेटली आस्क द फ्यूडेटरीज, द किंग्स और द मोनार्क, दैट व्हाट सो एवर, इवन द चर्च ऑल्सो, दैट व्हाट सो एवर पावर यू हैव, राइट, फ्रॉम विच, व्हाट इज द मीन्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई यू आर ओनली हैविंग दिस काइंड ऑफ पावर, नॉट द पीपल एज होल, ठीक है, फ्रॉम वेयर यू हैव एक्सट्रैक्टेड दिस पावर, हु गेव यू दिस पावर। आप समझ में आ रही है बात? दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग, दे विल स्टार्ट, यू नो, दे विल स्टार्ट अपोजिंग द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, राइट। द पॉलिसीज डेफिनेटली, प्रोग्राम्स को रहने दो, पॉलिसीज को, ठीक है, क्या करेंगे, अपोज करेंगे। इफ चर्च विल से कि आई हैव द सोल अथॉरिटी टू इंटरप्रीट बाइबल एंड आई विल लेट यू नो दैट वॉट यू हैव टू डू विद इन योर रिलीजियन, वाई एंड चर्च विल हैव एन एब्सोल्यूट पावर विल ओवर द रिलीजियन ओवर द रिलीजियस अफेयर्स, देन पीपल हु हैव डेवलप लॉजिक दे विल आस्क द रीजन फॉर द सेम, वाई यू हैव दिस काइंड ऑफ पावर, हु गेव यू दिस काइंड ऑफ पावर, राइट। सो देर विल बी अ फर्दर डिबेट, लेट्स हैव अ डिबेट, राइट, लेट्स हैव अ डिस्कशन एंड लेट्स कम टू अ कंक्लूजन दैट वेदर यू आर राइट और आई एम राइट। लेट पीपल सिट टूगेदर, मीन्स पॉपुलेशन सिट टूगेदर, राइट, पॉपुलेशन, लेट्स लेट्स द पॉपुलेशन हियर, अ ग्रुप ऑफ पीपल शुड हियर वॉट सॉर्ट ऑफ डिस्कशन वी यू एंड वी मी आर हैविंग, राइट। समझ में आ रही है बात? डिबेट सुनते हो ना, कौन कौन सा पॉइंट दे रहे हैं, फिर हमें उससे क्या फायदा हो रहा है, कौन ज्यादा लॉजिकल लग रहा है, ठीक है, किसकी बातें ज्यादा एक्सेप्टेबल लग रही हैं। तो इस तरीके से प्रिंट ने क्या किया, सोसाइटी में चेंज लाया। इवन द रेवोल्यूशन विच ऑकर्ड, वेदर इट्स अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, इस सभी में जो चेंजेस आने के कारण थे, वो आपका उसमें एक बहुत बड़ा रोल है किसका, प्रिंट का। अगर सेंसरशिप एबॉलिश नहीं होता 1789 में, तो इस तरीके से किंग के खिलाफ लिखना मुश्किल था। आप कोई भी ट्रिटीज नहीं लिख सकते, कोई भी स्पिरिट नहीं लिख सकते, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिख सकते। मेजर बुक है, उसी का नाम बता रहा हूँ जो आप जानते हो उसके बारे में। बात समझ में आ रही है? यस सर, यस ठीक सर, है। तो अब जापान में देखोगे, जापान में भी ये प्रिंट आएगा, जो वहां पे अपना जो है कि प्लेइंग कार्ड्स वगैरह पे भी प्रिंट जो है छपने लगेंगे, लोग पढ़ना शुरू करेंगे। जब पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा लोग डिमांड करेंगे कि उन्हें अच्छा लग रहा है, ज्ञान उनको प्राप्त हो रहा है, ठीक है, अलग अलग बातें सीखने को मिल रही हैं, जानने को मिल रही हैं, ठीक है, वो बहुत खुश होंगे उससे।
ठीक है। और फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर सेंटर जैसे संघाई के बारे में आपने पढ़ा, यहाँ में आप जो है कि टोक्यो के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, ये हब सेंटर बनता है, ठीक है, ईडो। चलो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। लॉजिक समझ में आया, क्या क्या पढ़ोगे आप, लॉजिक क्या है बेसिक? यस सर, यस सर, हाँ, वो यस हर सर, जगह इम्प्लीमेंट होगा, तो और कहीं पे अगर कुछ नया आएगा तो मैं उसको डेफिनेटली आपसे डिस्कस करूंगा। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट? इज इट क्लियर? यस यस सर, यस सर, चलो, तो आई थिंक दिस इज वॉट वी आर डूइंग। फर्स्ट प्रिंटेड बुक वी आर डन विथ। Now the print in Japan. So I would like someone to read this out. Right. Who will read this? बताओ। मनोज तुम्हारा माइक सही है? चलो पढ़ो। ओके सर। प्रिंटिंग जापान, बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान अराउंड रिप्लाई एडी करो। 768 टू। जी सर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, मल्टीपल टाइम्स दिस हैज बीन आस्क्ड, वेदर इट्स एमटीएससी और सीबीएसई, राइट? सो फ्रॉम चाइना बुद्धिस्ट मिशनरीज, राइट, इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग, ठीक है, इन जापान अराउंड 768 एंड 770 एडी। और सबसे पुराना जैपनीज बुक जो है, ठीक है, जो प्रिंट हुआ था 1868 में, वो उसका नाम था बुद्धिस्ट का डायमंड सूत्र। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू मे कंटिन्यू। ओके सर, द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन एडी 1868 इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र कंटेनिंग सिक्स शीट्स ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलस्ट्रेशन। पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल अंडरलाइन करो उसे। टेक्सटाइल्स प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी। इन मेडिवल जापान पोइट एंड प्रोज राइटर वर रेगुलरली पब्लिश एंड बुक्स वर चीप एंड अबंडेंट। प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस। In the late 18th century, in the flourishing urban circles at Edo, later to be known as Tokyo, illustrative वेट करो collections of painting. वेट करो वेट करो। टोक्यो को पहले क्या बुलाया जाता था? Edo. ईडो। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी। सियाम, ठीक है, आज के डेट में किस नाम से जाना जाता है? थाईलैंड। ये भी एनटीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर पेपर देखा है आपने तो, ठीक है। नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना जब आप पढ़ोगे तो वहां पे ये आपको पोर्शन जरूर मिलेगा, यस सर, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, थाईलैंड को पहले सियाम बोला जाता था और टोक्यो को पहले ईडो बोला जाता था, राइट? सो अच्छा कंटिन्यू करो, फिर आगे मैं डिस्कस करूंगा। इलस्ट्रेटेड कलेक्शंस ऑफ पेंटिंग डिपिक्टेड एन एलिजेंट अर्बन कल्चर इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट कोटिशियंस एंड टी हाउसेस गैदरिंग। लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स वर पैक्ड विद हैंड प्रिंटेड मटेरियल ऑफ वेरियस टाइप बुक्स ऑन वुमेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेशन टी सेरेमनी फ्लावर अरेंजमेंट प्रॉपर एटिक्यूटी एटिकेट, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रिंटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ऑनवर्ड्स 9th सेंचुरी से ही शुरू हो गया। डायमंड सूत्र के बारे में हमने पढ़ा 1868, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो है कि प्रिंटिंग आपके प्लेइंग कार्ड्स, पेपर मनी, ठीक है, इन सब के हेल्प से और ज्यादा फ्लरिश करने लगा, ठीक है। लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, चाहे वो पोएट्स रहे हों या प्रोज राइटर रहे हों, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी मटेरियल्स की, प्रिंटिंग मटेरियल्स की बढ़ने लगी, ठीक है। अब जैसे जैसे अर्बन सर्कल डेवलप होता है, अर्बनाइजेशन होता है, तो देखा जाता है अर्बनाइजेशन जब हुआ तो टोक्यो इसका सेंटर बना, ठीक है। और यहाँ पे हर तरीके की अब देखी जा रही है प्रिंट की अवेलेबिलिटी है। अब वो चाहे पेंटिंग से रिलेटेड हो, ठीक है, और फिर जो है कि आपका बुक्स ऑन वुमेन से रिलेटेड हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, कैलकुलेशन हो, सेरेमनी, मतलब कई सारे डोमेन्स में, ठीक है, क्या होने लगे, प्रिंट अवेलेबल होने लगे। और लोग अब फिर उसको क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। आज के डेट में प्रिंट को अगर आप देखो तो आपको प्रिंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपके पास आज के डेट में डिजिटल प्रिंट भी अवेलेबल है, ठीक है। एक तो आपको हार्ड कॉपी है ही, साथ ही साथ आपको क्या अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी।
आप किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहो आप डिजिटल प्रिंट के थ्रू ले सकते हो, या फिर आप सॉफ्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप उसको सर्च कर सकते हो, आपको वो प्रिंटेड में मिल जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। बट यहाँ सॉफ्ट कॉपी। हाँ, जिसको हम सॉफ्ट कॉपी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब डोमेन जो है ओवरऑल प्रिंट का क्या होने लगा, बढ़ने लगा। इज दैट क्लियर? यस यस सर। एनी डाउट? नो हाँ सर। सर जो टेक्नोलॉजी थी वो जापान में सर 8768 में आ गई थी, पर जो फर्स्ट प्रिंटेड बुक थी सर वो 868 में बनी। सर ऐसा कैसे है? 100 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है सर। क्या है, बुद्धिस्ट मिशनरी जो आए थे चाइना से, ठीक है, वो हैंड प्रिंटिंग लेकर आए थे यहाँ पे जापान में, ठीक है। कहाँ? 768, 770। और जो सबसे पुरानी बुक है जैपनीज की जो प्रिंटेड हुई है, ठीक है, वो 868 में हुई है, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, ठीक है। ये सर बुद्धिस्ट यहाँ पे इतना डिफरेंस कैसे है ईयर्स में? ईयर्स में डिफरेंस ये है कि टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा थी नहीं, ठीक है। और जो है कि ओवरऑल जो बुद्धिस्ट मिशनरी जो चाइना में लेकर आए थे, ठीक है, और उसको चाइना के ओवरऑल चाइना में उसको बनाने में, ठीक है, वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी या फिर हाँ बेसिकली उसको जो है समय लगा, ठीक है, और एक लंबा समय लगा, और लगभग डायमंड सूत्र किताब लिखने में जो है पहली बार प्रिंट 868 में हुआ। अब आप देखोगे बाइबल के बारे में भी, जब पहली बार बाइबल की किताब लिखी गई थी, ठीक है, तो उस किताब के लिखने में आई थिंक 3 4 महीने लगे थे, या फिर उससे ज्यादा ही लगे थे, अराउंड इतना ही कुछ लगा था, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। वो इतना ज्यादा फास्ट नहीं था। चलो नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, बिलोंगिंग टू द मिड 13th सेंचुरी प्रिंटिंग वुड ब्लॉक ऑफ द त्रिपिटक कोरियंस आर अ कोरियन कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर। ये याद रखिएगा एनटीएससी के लिए, ठीक है। ओके त्रिपिटक सर। कोरियन कोरियाना, ठीक है, इसमें 80,000 वुड ब्लॉक से लिखे गए हैं, एंड यूनेस्को ने इसको क्या किया है, रजिस्टर कर लिया है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इन 2007। याद रखिएगा एनटीएससी के लिए, ये सीबीएसई में नहीं आ रहा है ना चैप्टर, ये सही है, नहीं है? नो सर, नहीं आ रहा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या देखोगे, किताग्वा उतामारो, ठीक है, बॉर्न इन ईडो 1753, याद रखिएगा। और इसी को जो है कि ही वाज पॉपुलर, मींस ही वाज पॉपुलर, ठीक है, सॉरी, ही वाज पॉपुलर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू एन आर्ट नोन एज यूकियो, ठीक है, पिक्चर ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड। इज दैट क्लियर? इतना तक याद रखना। यस सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रिंट कम्स टू यूरोप। अब प्रिंट कहाँ आ रहा है, यूरोप में, चाइना, चाइना से फिर जापान, अब हम यूरोप में आएंगे। जब यूरोप में आएंगे तो आप लोगों ने द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया, आई थिंक द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी पढ़ा दिया है, यस सर। यस यस सर, सर। ठीक है। तो सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लोड इन टू यूरोप, ठीक है, सिल्क और स्पाइसेस यूरोप में आ ही रहे हैं, सिल्क रूट आप जानते ही हो, ठीक है। 11th सेंचुरी में चाइनीज पेपर रीच यूरोप, 11th सेंचुरी में कहाँ पहुंचा वो, यूरोप में पहुंच गया, ठीक है, और रूट भी वही सेम रहा, कौन सा, सिल्क रूट, ठीक है। अच्छा, मैनुस्क्रिप्ट के बारे में आप जानते हो, यस सर। हस्तलिपि कहते हैं उसको, यस सर। ठीक है, इंडियंस बहुत ही ज्यादा नाजुक का होते हैं, फ्रेजाइल होते बहुत हैं, ठीक है। तो चलो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैनुस्क्रिप्ट, ठीक है, केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स, स्क्राइब जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग जिनकी होती है, तो पेपर के हेल्प से यहाँ पे मैनुस्क्रिप्ट लिखे जाने लगे स्क्राइब्स के जरिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1295 में मार्को पोलो, ठीक है, एक एक्सप्लोरर थे, ठीक है, ये कहाँ आए, इटली में आए, कई सालों का इन्होंने एक्सप्लोरेशन किया, कहाँ, चाइना में, चाइना से एक्सप्लोर करके ये इटली में आए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अभी ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो गई, वुड ब्लॉक, चाइना में वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, फ्लरिश कर रही है, यस तो सर। वहां से ये सीख कर आए, कौन, मार्को पोलो, ठीक है।
अब वो वहां से सीख कर आए तो अब इटली में उन्होंने क्या किया, इसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यस सर। इटली से ये पूरे यूरोप में फैल गया। मैप याद है आप लोगों को ना, इटली देख रहे हो ना बूट लाइक। यस सर। तो अब ये पूरे यूरोप में क्या हो गया, फैल गया, वहां से फैला है। ठीक है, चाइना, मार्को पोलो, इटली, इटली से ये पूरे यूरोप में। अब यहां पे इसके अलावा, ये वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी तो चल ही रही है, इसके अलावा एक जो है वेलम का इस्तेमाल किया जाता है। अगेन ये इंपॉर्टेंट है आपके एनटीएससी के लिए। वेलम क्या है, अ पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्क्रीन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, वेलम जो है कि माना जाता था कि अच्छा जो है कि इज अ गुड वे ऑफ यू नो एक्सप्रेसिंग नॉलेज। वेलम पे लिखी जाती थी और एरिस्टोक्रेट्स वेलम को ही सपोर्ट करते थे, प्रिफर करते थे, पेपर को नहीं, पेपर को वो वल्गर मानते थे, चीप मानते थे। ठीक है, वेलम मेन फॉर एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स एंड रिच मोनास्टिक लाइब्रेरीज विच स्कॉफ्ड एट प्रिंटिंग बुक्स एज चीप वल्गैरिटीज। मर्चेंट एंड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी टाउन्स बॉट द चीपर प्रिंटेड कॉपीज। अच्छा, बुक्स को जो है कि जो अगर लिखा हुआ है पेपर वाला उसको वल्गर मानते थे, साथ ही साथ जो बट एट द सेम टाइम सभी लोग नहीं मानते थे। जिनको इंफॉर्मेशन सिर्फ शेयर करना है, जिनको सिर्फ पढ़ना है, उनके लिए तो यही सबसे बेहतर तरीका है। ज्यादा से ज्यादा पेपर अवेलेबल हो, ज्यादा से ज्यादा उस पर प्रिंटिंग हो और वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक्वायर कर पाए। ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए, एक मर्चेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? स्टूडेंट के लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है और मर्चेंट के लिए ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है। अब वो चीजें वेलम पे लिखी हो ये जरूरी थोड़ी है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली जाएगी, अब देखो ये ट्रेड है यहां पे, क्या होगा, और भी ज्यादा लोग हायर होंगे। ठीक है, और भी ज्यादा लोग हायर होंगे, उनसे काम कराया जाएगा। बट अभी भी डिमांड बढ़ती चली जा रही है, टेक्नोलॉजी की डिमांड होगी, टेक्नोलॉजी फिर इसमें एंटर करेगी। ठीक है, एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज, बुक सेलर ऑल ओवर यूरोप बिगैन एक्सपोर्टिंग बुक्स टू मेनी डिफरेंट कंट्रीज। बुक फेयर्स वर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। बुक फेयर आज के डेट में भी होता है, जानते हो आप? यस सर। यस सर। यस सर। दिल्ली में कौन सी जगह है? सर प्रगति मैदान। प्रगति मैदान। यस सर। ठीक है, अब डिफरेंट बुक फेयर्स अगर जब लगेंगे तभी तो आप अलग अलग ऑथर्स के बुक देखोगे, पढ़ोगे और फिर नया नॉलेज एक्वायर करोगे। तो बुक फेयर्स के जरिए अपने बुक्स को सेल करना है। अब ये भी एक तरह का एडवर्टीजमेंट है जो कि आपने लास्ट में पढ़ा है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ा है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ यस हैंड रिटन मैनुस्क्रिप्ट वॉज ऑल्सो ऑर्गेनाइज इन न्यू वेज। ठीक है, टू मीट द एक्सपेंडेड डिमांड, हैंड रिटन मैनुस्क्रिप्ट का भी जो है कि ऑर्गेनाइज किया गया ताकि डिमांड जो बढ़ रही है उसको फुलफिल किया जाए। स्क्राइब या स्किल्ड हैंड राइटर्स को हायर करने लगे। ठीक है, और फिर जो है कि उनसे काम कराने लगे। बट धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी आप देखोगे कि स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स, ठीक है, ये जो है कि इनके जॉब चली जाएगी। पहले पब्लिशर्स जो है डिमांड को फुलफिल करने के लिए इनको हायर तो करेंगे बड़े पैमाने पे, लार्ज नंबर पे, बट धीरे धीरे फिर वो उनकी जॉब चली जाएगी। अभी यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे ये देखोगे कि पहले जो हैंड राइटर स्क्राइब्स थे, जो स्किल्ड हैंड राइटर्स थे, वो सिर्फ कुछ ही लोगों के यहाँ काम करते थे। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ ही सिर्फ काम करते थे। बट धीरे धीरे जब डिमांड बढ़ती चली जाती है हैंड रिटन चीजों की, ठीक है, या ओवरऑल मार्केट में डिमांड बढ़ती चली जाती है प्रिंटिंग की, ठीक है, रिटन मटेरियल्स की, तो इनकी हायरिंग भी पब्लिशर्स करने लगते हैं ऑन लार्ज स्केल, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड को क्या कर पाए, कैटर कर पाए। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। सर एक डाउट है सर, हम हाँ, हैंड रिटन को प्रिंट का हिस्सा मानेंगे क्या प्रिंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स को? का हिस्सा, प्रिंट कल्चर, प्रिंट ही हो रहा है एक तरीके से। देखो, प्रिंट मतलब तो जब हाथ का यूज ही ना हो ना, मतलब कुछ वुड ब्लॉक से हो रहा है या फिर किसी और चीज से हो रहा है। हाँ,
अब इसमें रिटेन मटेरियल को प्रिंट यस कल्चर, रिटर्न मटेरियल कह सकते हैं, लेकिन प्रिंट तो नहीं कह सकते ना शायद। बट अगर आप लिख रहे हैं, हाँ प्रिंट तो नहीं कहना चाहिए, बट इसकी भी प्रिंट आया तो उसके पीछे का भी तो एक हिस्ट्री होगा, यस राइट? सर। तो ठीक है, रिटेन मटेरियल को ही प्रिंट में फिर चेंज कर दिया गया, राइट? ओके सर। यहां तक क्लियर हुआ आप सभी को? यस सर। यस यस, सर। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाइड द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएंगे। कॉपिंग वॉज एक्स एन एक्सपेंसिव लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस। ठीक है, अब बैठ के लिखते जाओ लिखते जाओ, कितना लिखोगे? लोगों की तादाद बढ़ते चली जा रही है, आप लिख बैठ के लिख रहे हो। आप खुद ही सोचो, आप बैठ के लिखने वाला अगर काम आपको दिया जाए तो आप एक दिन में कितना लिख लोगे, है ना? और वहीं पे अगर आपके पास जो है कि एक आपका लैपटॉप है और आपको 10 कॉपी निकालनी है, 50 कॉपी निकालनी है, ठीक है, आपको क्या करना है? आप सेलेक्ट करोगे और फिर उसमें कंट्रोल पी करके 50 कॉपीज आप उसमें कमांड दे दोगे और वो प्रिंटर यस लगा सर, दोगे, इजीली हो जाएगा। यस सर। वो प्रिंट होके निकल जाएगा। सोचो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ आ गई। ठीक है, आज के डेट में कोई लिखना पसंद नहीं करता है, बट स्टूडेंट्स को तो लिखना ही पड़ेगा, नोट्स तो बनाना ही पड़ेंगे और मेल्स पे शेयर करना ही पड़ेगा। यस सर। ठीक यस है, सर। नहीं करोगे तो इतना जो है नॉलेज ही नहीं गेन कर पाओगे। सर लिख के याद ही होता है। तो स्किल हैंड राइटर्स वे नो लॉन्गर, ये तो मैंने बता दिया है। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल, मैंने आपको बताया है, फ्रेजाइल नाजुक होते हैं, ऑकवर्ड टू हैंडल, डिफिकल्ट टू हैंडल, एंड कुड नॉट कैरीड अराउंड रेडी रीड इजली। बड़े आसानी से आप उसको जो है कि पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है, बहुत नाजुक होता है, फट गया तो भी दिक्कत, हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम, ठीक है, तो इसीलिए उसका सर्कुलेशन क्या रह गया, लिमिटेड रह गया। अब जैसे जैसे बुक्स की डिमांड बढ़ती चली गई, वुड ब्लॉक्स की अब रिक्वायरमेंट आई। अब देखो, पहले रिटेन वाला काम होने लगा, रिटेन के बाद जो रिटेन वाला काम हो रहा था, स्क्राइब्स जब लिख रहे थे, उसके बाद वुड ब्लॉक आया, डिमांड बढ़ रही है तो वुड ब्लॉक से फटाफट होने लगा। फिर देखो कि वुड ब्लॉक भी वो डिमांड को, एवर ग्रोइंग डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा, वुड ब्लॉक भी लगेगा कि ये तो स्लो है, अब क्या करें? तो प्रिंटिंग प्रेस आएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस। सो द बाय द अर्ली 15th सेंचुरी वुड ब्लॉक्स वेयर बीइंग वाइडली यूज्ड इन यूरोप टू प्रिंट टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, एंड रिलीजियस पिक्चर्स विद सिंपल ब्रीफ टेक्स्ट, वुड ब्लॉक्स का इस्तेमाल करने लगे। बट देयर वॉज अ क्लियरली अ ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट। अभी भी जरूरी है कि जल्दी जल्दी हो, नहीं हो पा रहा है इस वुड ब्लॉक से। दिस कुड ओनली बी विद द इन्वेंशन ऑफ अ न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी, राइट? द ब्रेक थ्रू ऑकर्ड एट स्टार्ट्सबर्ग जर्मनी, राइट, विद वेयर जोहान गटनबर्ग डेवलप्ड द फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस इन द 1430s। ठीक है, यहां तक क्लियर हो पाया सभी को? चलो, यस सर। यस 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 सर। यस सर। रीडिंग करना चाहोगे आप लोग और ऐसे ही आगे बढ़े? हाँ, या ना? अरे डेमोक्रेसी है, ऐसे ऐसे सर, ऐसे ही ठीक लग रहा है। यस सर, ऐसे ही ठीक है। कंटिन्यू ही ठीक है, करना है। डेमोक्रेसी है, बोलने का अधिकार दिया है मैंने, ठीक है? ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी याद है ना, टीचर एंड स्टूडेंट? यस सर। तो गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस, ये रहे गुटेनबर्ग। अब इनका अगर पिक आ जाए तो उन्हें पहचानना जरूर, ये एक मर्चेंट के बच्चे थे, बेटे थे, ठीक है, इनका एक बड़ा एग्रीकल्चरल स्टेट था, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने अपने चाइल्डहुड से ही वाइन और ओलिव प्रेसेस से ये सराउंडेड थे, ठीक है, जो कि ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता था। तो पॉलिशिंग वगैरह स्टोन्स के जानना जो है सीखना शुरू कर देते हैं और बाद में ये गोल्ड स्मिथ बन जाते हैं। आप गोल्ड स्मिथ तो समझते हो ना? यस सर। यस सर। यस हाँ, सर। अब यहाँ पे गोल्ड स्मिथ ये बन जाते हैं और ये लेड के मॉल्ड से, ठीक है, अलग अलग जो है गहने छोटे छोटे बनाना शुरू कर दिए। अब ये धीरे धीरे इनका अपना एक इनोवेशन ही था, ठीक है,
इन्होंने अब देखा कि जो लेटर्स लिखे हुए हैं, क्या हम इसको भी इसी तरीके से ऑलिव एंड वाइन के जो है यूज से, प्रेस के यूज से क्या प्रिंट कर सकते हैं? और फिर इन्होंने यहीं से इसका, इनका जो ये थिंकिंग था, इसी से एक इनोवेशन बनता है, एक इनोवेशन एक्चुअली होता है, ठीक है, जिसको हम आज प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जाना जाता है। द ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, एंड मो एंड मॉल्स वे यूज फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर्स, ठीक है। तो ऑलिव प्रेस से प्रिंटिंग प्रेस इवॉल्व होता है, जो मॉल्स, लेट के जो मॉल्स थे उसी से वो लेटर्स बनाना शुरू कर देते हैं अल्फाबेट्स के। और 1448 में गटेनबर्ग ने सिस्टम को, अब धीरे, ऐसा नहीं एक बार में सिस्टम एकदम ओके हो गया, चलो सुबह शुरू काम शुरू किया और शाम को हो गया कि अरे हम तो बना के बैठ गए हैं, प्रिंटिंग प्रेस मेरे काम में है, ऐसा तो हुआ नहीं, समय लगा उसको, उसी में अपना जो है कि खोजबीन करते गए और इवॉल्व करते गए, और फाइनली उन्होंने वो बना ही दिया। तो पहला जो किताब प्रिंटिंग प्रेस का था वो था बाइबल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी ऑब्वियसली, ठीक है, और सीबीएसई होता तो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता, ठीक है, वॉज द बाइबल। 180 कॉपीज वर प्रिंटेड एंड इट टुक 3 ईयर्स, ओ सॉरी मैं तो 3 मंथ्स कह रहा था, ठीक है, इट वॉज 3 ईयर्स टू प्रोड्यूस देम, 180 कॉपी, थिंक ऑफ द सिचुएशन क्रेश वर्मा, यस सर, नॉट इजी एट दैट टाइम टू प्रिंट अ बुक, ठीक है। तो यहां पे 180 कॉपीज बनाने में 3 साल लग गए, और ये उस समय का सबसे बहुत, मतलब बहुत जल्दी काम था। तो सोचो वो 768 वाला और 860, 760 70s का और 868 का टाइम पीरियड, राइट, 3 साल यहाँ पे लेते हैं 180 कॉपी मैंने बनाने में, और ये भी कहते हैं ये बहुत जल्दी बनाया एक्चुअली, इसे क्वेश्चन मार्क मत उठाओ। और आज के डेट में तुम्हें लगता है 180 कॉपी बनाने में 3 साल लगेंगे? नो सर, नो सर, सर 1 घंटे में नो हो जाता सर। होगा। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग। अब प्रिंटिंग जब आएगा, ठीक है, तो अब प्रिंटिंग जो पहले के रिटेन वुड ब्लॉक है, ठीक है, जो हैंड स्क्रिप्ट, जो मैनुस्क्रिप्ट लिखे जा रहे हैं, क्या प्रिंटिंग उसको एक बार में रिप्लेस करने वाला है? देन द आंसर इज नो। अब आपने जब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा, ठीक है, और इंडस्ट्रीज जब आपने पढ़ी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेस्ड पे इंडस्ट्रीज आई, तो क्या लेबरर्स हैंडीक्राफ्ट से या क्राफ्ट्समैन से काम छोड़कर, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले काम को छोड़कर, क्या वो तुरंत इंडस्ट्रीज में आ गए थे? नो नो सर, टाइम सर, लगा, टाइम लगा, नो 20% से भी कम थे, सर, यस सर, ठीक है, याद है यूरोप वाला केस, 20% से भी क्या थे, कम थे, यस सर, यस सर, 1993। यहां पे भी द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोडक्शन बुक्स बाय हैंड, हैंड से अभी भी लोग जो है प्रेफर कर रहे हैं। अब ये कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू रिजेंबल वट एवर दे आर प्रिंटिंग लाइक अ हैंड रिटन थिंग, ठीक है, कुछ फूल पत्ते, कुछ जो है कि बॉर्डर्स वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें लगाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे, देन ओनली पीपल विल लाइक टू हैव, लाइक टू सी द बुक। हैंड रिटन तो एकदम क्लियर होता है ना, दैट दिस इज हैंड रिटन समथिंग, समथिंग रिटन बाय हैंड, मोर क्लियर, मोर विजिबल, राइट, उसमें कुछ फ्लोरल डिजाइन वगैरह बना दिया तो और ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। प्रिंट में तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो सो दे कॉपीड, जैसा पहले चलता था प्रिंटिंग, ठीक है, जो पहले बुक्स वगैरह बनते थे हैंड से, ठीक है, उसी को लोग जो है कि उसी को कॉपी करते हुए इन्होंने आगे अपना बढ़ाया प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये देख लो, ये क्या है आपका, ये आपका स्क्रू है, ये फ्रेम है, दिस इज हाउ प्रिंटिंग इज बीइंग डन ओवर हियर, प्रिंटिंग ब्लॉक प्लेस ओवर पेपर, ठीक है, तो इफ यू वॉन्ट टू सी यू कैन यू गूगल इट आउट, ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हो, अवेलेबल होगा डेटा। इनफैक्ट प्रिंटेड बुक्स एट फर्स्टली क्लोजली रिजेंबल दैट रिटन, रिजेंबल द रिटन मैनुस्क्रिप्ट इन अपियरेंस एंड लेआउट, ठीक है, जैसा हैंड रिटन था उसी को वो क्या कर रहे हैं, रिजेंबल कर रहे हैं। द मेटल लेटर्स इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंड राइटिंग स्टाइल, ठीक है, जो एकदम सुंदर तरीके से लिखे हुए हैंडराइटिंग वाले स्टाइल है उसी को मेटल लेटर्स ने क्या क्या इमिटेट किया, वैसे ही एकदम बनाने की कोशिश की,
borders were illuminated by hand with foliage and other patterns. Borders वगैरह बनाए जा रहे हैं, पत्ते वगैरह लगाए जा रहे हैं, अलग अलग patterns दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। अब सपोज इन दिस बुक, अगर आप सोचो ये पूरी किताब ऐसी बस सिर्फ रिटन स्टेटमेंट होती, ये बगल में पिक्स वगैरह नहीं होते, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता है कम अट्रैक्टिव है? यस सर, है ना। अगर आपको इमेज ना लिखे जाए, बनाई रह जाए, हिस्ट्री में पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ, और भी कोई जो भी बुक है उसमें भी सिर्फ रिटन रिटन प्रिंटेड चीजें ही हो, तो आपको नहीं लगेगा तो बोरिंग है, इसमें कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा, कुछ देखने को कुछ है ही नहीं, और कुछ देखने लायक उसमें बना दिया जाता है, जैसे कि जो पढ़ रहे उसी से रिलेटेड कुछ बना दिया गया, तो थोड़ा सा सेंस ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन थोड़ा और बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन थोड़ा और बढ़ता है कि अच्छा ये भी कुछ है, थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है वो फर्दर। यस सर, ठीक है। इन द बुक प्रिंटेड फॉर द रिच, स्पेसेस वर्ड फॉर डेकोरेशन वाज केप्ट ब्लैंक ऑन द प्रिंटिंग पेज। अच्छा, रिच के लिए जो बना रहे हैं तो स्पेस छोड़ देते हैं, मींस इफ दे वांट टू ड्रॉ समथिंग ओवर देयर दे कैन, ठीक है। हर परचेजर के पास ये ऑप्शन है कि वो अपना डिजाइन डिसाइड कर ले, ठीक है, क्या वो इलस्ट्रेशन में चाहते हैं, वो ऐसा करा सकते हैं। अब हुआ क्या कि 100 सालों में, 100 इयर्स बिटवीन 1450 से 1550s में, 50s तक, ठीक है, अलग अलग इंपॉर्टेंट यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस क्या हो गई, सेटअप हो गई। जर्मनी से प्रिंटर्स ट्रैवल कर रहे हैं अलग अलग जगहों में, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे ये मास्टर हो गया था स्टैटसबर्ग, याद है आप, ठीक है, और ये अलग अलग जगहों पे पहुंच रहे हैं, जॉब देख रहे हैं, भाई सबको सिखाना है, सबको फिर बताएंगे और फिर जॉब क्रिएट होगा, काम करेंगे। तो जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस बुक जो है बढ़ता चला जाता है, बुक का प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, ठीक है, और जब बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ कॉपीज भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, और मार्केट में क्या जाएगा, फ्लड आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट रिटन ओवर हियर, ठीक है। द नंबर वेंट अप टू 16th century, अप इन द 16th century टू अबाउट 200 मिलियन कॉपीज। Printers from Germany travel to other countries seeking work and helping start new presses. As the number of printing presses grew, book production boomed. The second half of the 15th century saw 20 million copies, right, of printed books flooding the market in Europe. Number went up in the 16th century to about 200 million copies. I hope this paragraph is clear to all of you. Yes, sir. 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 The shift from hand printing to mechanical printing led to the print revolution. ठीक है, तो ये hand printing, manas, the things which were written by hand was also a part of printing, right? So hand printing to mechanical printing, this leads to print revolution. Yes, sir. तो hand से भी लिखा हुआ एक क्या है, copy पे लिख दिया तो एक तरह का print ही है, ठीक है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट आपका क्या है, यही प्रिंटिंग हो रही है, देखो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, वर्कशॉप है ये, ठीक है, टाइम मिले तो इसको पढ़ते चलो। प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट। अब जो प्रिंट रेवोल्यूशन है, अब उसका इंपैक्ट क्या होगा, अब ये बताओ कि मैंने तो ये बात बताई दी है हालांकि, तो अगर लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ठीक है, पढ़ना शुरू किया, ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया अथॉरिटी पे? यस यस सर। मिडिल क्लासेस, मिडिल क्लासेस एंड ऑफ प्रिविलेजेस, जब आपने ये पढ़ा उन्होंने कहा ना कि जो मेरिट मिल रही है बाय बर्थ, दैट शुड नॉट बी गिवन आउट, इट शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट। हाँ सॉरी, थोड़ा इसमें स्टेटमेंट मेरिट और बर्थ हो गया, प्रिविलेजेस जो मिल रही है बाय बर्थ वो नहीं मिलना चाहिए, प्रिविलेजेस कैसे मिले, ऑन मेरिट, बाय मेरिट। और यही सेम चीज तो आपने नेपोलियन कोड में भी पढ़ लिया 1804 का, प्रिविलेजेस बाय बर्थ क्या हो गया, हटा दिया गया, ये सर एबॉलिश कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था, ठीक है। अब प्रिंट रेवोल्यूशन से क्या होता है, क्या होगा, लोग पढ़ेंगे, लोगों के पास ज्ञान होगा, लोग अथॉरिटी पे क्वेश्चन मार्क उठाएंगे,
लोगों का लॉजिक डेवलप होगा, एनलाइटनमेंट होगा, और जब अथॉरिटीज ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाएंगे तो आपको क्या लगता है अथॉरिटीज चुप बैठेंगी? सर सेंसरशिप ले आएंगी? नो सर, हाँ अथॉरिटीज भी उसका काउंटर जो है कि उसका उसको काउंटर करना चाहेंगी, और जब काउंटर करेंगी तो और ज्यादा लोग क्वेश्चन पूछेंगे, फिर और ज्यादा फिर क्या होगा, लोग प्रेशराइज करेंगे, ठीक है? तो सम चेंजेस फिर वो लाते हैं बाद में, पढ़ा है? यस सर। कंजर्वेटिव, साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन नीड टू कम टू एन एंड, सो सम कंसेशन नीड टू बी ग्रांटेड 1867। यस सर, मोर ऑफ नो टू, ठीक है? सो व्हाट वाज द प्रिंट रेवोल्यूशन? इट वाज नॉट जस्ट अ डेवलपमेंट, अ न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स, ओके? एक नया तरीका है क्या करने का, बुक बनाने का। लाइव्स ऑफ पीपल, इट ट्रांसफॉर्म्ड द लाइव्स ऑफ पीपल, चेंजिंग देयर रिलेशनशिप टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ठीक है? इंफॉर्मेशन अब उनको मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, दे आर गेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ, राइट? एंड विद द इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटीज, इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटीज के बीच का भी अब रिलेशनशिप चेंज होगा, किसके वजह से? इसी इंफॉर्मेशन और नॉलेज की वजह से। टुडे इफ यू हैव राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, then only you will be able to know what the government is doing, what the authority is doing, ठीक है? तो information का तो एक बहुत बड़ा role है, आपसे information क्या हमेशा share किया जाएगा हर हर domain में हर जगह? नहीं बताया जाता है कि नहीं है? Yes sir. If today you are sitting in a school, you are learning out, you are getting information, and that's for that you are paying, whether it's a school or a इंस्टीट्यूशन। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ये पॉइंट? यस सर, यस सर, यस सर, यस। सो इट इन्फ्लुएंस पॉपुलर परसेप्शन एंड ओपन्ड अप न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। तो परसेप्शन को चेंज करते हुए नए तरीके, नए चीजों को अब लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। अ न्यू रीडिंग पब्लिक, ठीक है? अब ये न्यू रीडिंग पब्लिक क्या है? आई वुड लाइक टू कॉल समवन हु कैन रीड दिस। Yes, sir. A new reading public. With the printing press, a new reading public emerged. Printing reduced the cost of books. The time and labor required to produce each book came down, and multiple copies could be produced with greater ease. Books flooded the market, reaching out to an ever-growing readership. Underline karte jao. Yes, sir. Access to books created a new culture of reading. Earlier, reading was restricted to the elites. Common people lived in a world of oral culture. They heard sacred texts read out, ballads recited, and folk tales narrated. Knowledge was transferred orally. People collectively heard a story or saw a performance. As you will see in chapter 8, they did not read a book individually and silently. Before the age of print, books were not only expensive, but they could not be produced in sufficient numbers. Now books could reach out to wider sections of people. If earlier there was a hearing public, now a reading public came into being. रुको, ये पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या आप सभी को? यस सर, यस। कुछ मैंने पिछले क्लास में कुछ इंट्रोडक्शन में ये बोल दिया होगा, आज भी कुछ मैंने इस पे बोला है। पहले क्या होता था, नॉलेज ओरली ही ट्रांसफर होता था। यस सर, ठीक है। रिटन फॉर्मेट में नॉलेज ट्रांसफर नहीं होता था, लोग सुन सुन के नॉलेज गेन करते थे। जो सुन लिया वही नॉलेज है, ठीक है? कहानी सुन लिया, परफॉर्मेंस देख लिया, वही नॉलेज है। बस किताब नहीं होती थी कि नॉलेज हमेशा उनके पास है, उसको खोले पढ़ें और समझें। सर प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं पता चलती थी, क्योंकि सब लोग अपना कहानी का बताने का डिफरेंट स्टाइल होता है और लोगों का समझने का, इसलिए कहानी कुछ और ही बन जाती है कुछ टाइम बाद। बात समझ में आ रही है आप लोगों को यहाँ तक? Yes, yes, sir. Now from here, when printing print evolved, right, the it changed means the overall public, hearing public, now became reading public. ठीक है? So if earlier it was the hearing public, now a reading public came into being. Reading public आ गई, ठीक है? हम लोगों ने इतना समझ लिया। इसके बाद क्या है? But the transition was not so simple.
Books could be read only by the literate, and the rates of literacy in most European countries were very low till the 20th century. Wait, करो अब आपको याद अब चलो फिर से फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको याद है कि जब जॉन लॉक मॉन्टेस्क्यू जीन जैक्स रूसो ने किताब लिखा तो लोगों को इनके बारे में कैसे पता लगा सर टी स्टॉल्स वगैरह कॉफी शॉप्स टी शॉप्स बार्बर शॉप्स में से डिस्कशन कॉमन मीटिंग्स हाँ तो अब ये यहाँ पे डिस्कशन होता था अब क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन क्या है इलिटरेट है इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू मेक देम लिटरेट ठीक है अब डिफिकल्ट टास्क है बट एट द सेम टाइम इम्पॉसिबल भी नहीं है तो कुछ एक लोग लिटरेट जो हुआ करते थे दे यूज टू गो इन पब्लिक डोमेन ठीक है यहाँ पे लोग जो है इकट्ठे हैं वो जाके वहां पे क्या करते थे दे यूज टू टेल अबाउट द बुक दे यूज टू रीड आउट द बुक इवन टूडे ऑल्सो दिस इज बींग इन प्रैक्टिस राइट यू मस्ट हैव सीन अ मूवी कॉल्ड पीके पीके देखा है यस सर देखा आई थिंक वो कोई एक वो स्टोरी एक जो है नरेट होती है फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड यस सर नरेट ही होती है तो जब नरेट होती है सब लोग बैठ के सुनते रहते हैं वो जो उसमें एक्ट्रेस है वो क्या करती है पूरा कहानी को नरेट करके बताती है यस yes. आपने सभी ने देखा होगा आई होप सो यस सर ठीक है अच्छा चलो अगर नहीं भी देखा है तो आप क्या ये बात जानते हो कि जो पब्लिशर्स होते हैं वो अपने बुक को नरेट करते हैं पब्लिशर कह रहा हूँ जो ऑथर्स होते हैं अपने बुक को नरेट करते हैं या उनके जो पब्लिशर्स ने कुछ लोगों को हायर किया होता है वो जाते हैं और बैठ के क्या करते हैं नरेट करते हैं ओवरऑल बुक को तो यहाँ पे भी जब लार्ज पॉपुलेशन क्या है इलिटरेट है तो पब्लिशर्स को क्योंकि अपनी बुक्स अब बेचनी है लोगों को अवेयर करना है ठीक है प्रिंटिंग का प्रिंट को और बढ़ाना है तो वो भी लोगों को हायर करेंगे ठीक है ताकि वो जाके लोगों को इस किताब के बारे में पढ़ें पढ़ के बताएं तो लोग इंटरेस्टेड हों फिर वो खरीदें फिर धीरे धीरे पढ़ना सीखें जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे किताब की डिमांड बढ़ती बढ़ेगी या घटेगी फिर बढ़ेगी 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 दिस इज व्हाट विल हैपन ओवर हियर यू मे कंटिन्यू Yes, sir. How then could publishers persuade the common people to welcome the printed book? To do this, they had to keep in mind the wider reach of the printed book. Even those who did not read could certainly enjoy listening to books being read out. So printers began publishing popular ballads and folk tales, and such books would be profusely illustrated with pictures. These were then sung and recited at gatherings and in villages and in taverns in towns. ठीक है? Yes. Taverns means a place where people gather and drink alcohols and all. Food वगैरह सब होता है. I think this is given over here and you can find out. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. Is this paragraph clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ओरल कल्चर दस एंटर्ड प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल वॉज ओरली ट्रांसमिटेड ओरल से प्रिंट में गया ठीक है अब प्रिंट से अब वो कहां जा रहा है ओरली ट्रांसमिट हो रहा है अब ये बात समझ में आ रही है यस सर अभी हमने ऊपर पढ़ा ओरली ट्रांसफर हो रही थी पर पहले yes, क्या हुआ कि ओरल से पहले उसको प्रिंट में ले आए अब प्रिंट से फिर ओरल ले जा रहे हैं ओरल से ओरल yes, कहां जाता फिर क्या जरूरत थी प्रिंट की बट इससे क्या होगा कि अब ये ज्यादा लोगों के पास जो है कि अब प्रिंट से ओरल तरीके से जा रही है तो लोगों का इसका आउटरीच ज्यादा हो जाएगा वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना क्योंकि वो नरेट पहले ज्यादा करते थे और अब कम करते हैं तो लोग ज्यादा देखने आते हैं कि अब जिस यहाँ ओरल कल्चर में देखोगे तो जिसके पास नॉलेज है वही वो नॉलेज को स्प्रेड कर पाएगा बट यहाँ पे जो लिटरेट है वो पढ़ के उसको क्या कर पाएगा नरेट कर पाएगा बात समझ में आ रही है दोनों में डिफरेंस यस सर द लाइन दैट सेपरेटेड द ओरल एंड रीडिंग कल्चर्स बिकेम ब्लर्ड तो जो ओरल और रीडिंग का जो कल्चर था उसके बीच में जो लाइन खींची हुई थी कि डिफरेंट है अब वो धीरे धीरे धुंधली होती चली गई क्योंकि ओरल से प्रिंट प्रिंट से ओरल ऐसे हो रहा है एंड द हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल्ड ठीक है ये पॉइंट क्लियर हो पा रहा है इंटरमिंगल्ड Yes, sir. ठीक है सपोज दिस इज द हियरिंग पब्लिक दिस इज द रीडिंग पब्लिक
ठीक है, तो अब ये जो लाइन है सेपरेशन, अब वो क्या हो रही है, ब्लर हो रही है, अब वो इंटरमिंगल्ड हो गए, राइट? यस सर। नाउ रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब डिबेट होगा, प्रिंट से अब लोग डरेंगे, राइट? प्रिंट से क्यों डरेंगे? क्योंकि नॉलेज अब स्प्रेड हो रहा है। अब जब नॉलेज स्प्रेड होगा तो लोगों के लॉजिक डेवलप होगी, लॉजिक डेवलप होगी तो क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो जो रिलीजियस अथॉरिटीज है जिन्होंने एंजॉय किया है प्रिविलेजेस, उनके प्रिविलेजेस जाएंगे, ठीक है? अब जब प्रिविलेजेस उनके हाथ से जाते हुए दिखेंगे तो वो प्रिंट के खिलाफ हो जाएंगे। क्लियर हो पा रहा है ये? यस सर। ठीक है, कंटिन्यू करो। रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज एंड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। इवन दोज हु डिसएग्रीड विद एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज कुड नाउ प्रिंट एंड सर्कुलेट देयर आइडियाज। थ्रू द प्रिंटेड मैसेज दे कुड पर्सुएड पीपल टू थिंक डिफरेंटली एंड मूव देम टू एक्शन। दिस हैड सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ। यस सर। Not everyone welcomed this printed book, and those who did also had fears about it. Many were apprehensive of the effects that the easier access to the printed world and the wider circulation of books could have on people's minds. It was feared that if there was no control over what was printed and read, then rebellious and irreligious thoughts might. Underline. Yes, sir. If that happened, the authority of valuable literature would be destroyed. Expressed by religious authorities and monarchs, as well as many writers and artists, this anxiety was the basis of widespread criticism of the new printed literature that had begun to circulate. Let रुको, us रुको। Yes. ये पैराग्राफ क्या आप लोगों को रीड करके ही समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है इसमें? Yes, sir. बाकी लोग बताओ, क्या वो रीड करके ये बात समझ में आ रही है, इसमें हो क्या रहा है पैराग्राफ में? मनोज? यस सर। ठीक है, नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंट बुक, ठीक है, एंड दोज हु डिड आल्सो हैड फियर्स अबाउट इट। जिन्होंने वेलकम कर भी लिया उनको भी फियर था, लोगों को डर लगता था कि अब जब ये प्रिंटेड वर्ड है जो कि बहुत आराम से सर्कुलेट हो रहे हैं, ठीक है, लोगों के दिमाग के साथ ये खेल सकते हैं, ठीक है, लोगों के दिमाग के साथ क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। आज के डेट में तुम्हारे पास रीजन एंड लॉजिक डेवलप हो जाए और तुमने कुछ ऐसी बात कह दी जो एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी है उसके पावर के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क उठने लगे, और तुम्हारे लॉजिक को लोगों ने जब एक्सेप्ट करना अगर शुरू कर दिया तो तुम तो हीरो हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि लोगों ने तुम्हारे लॉजिक को, तुम्हारे रीजन को बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल माना, कहा कि नहीं यही वही सही तरीका है, होना है, ऐसा ही चाहिए जैसा कि ये कह रहे हैं, ये ज्यादा एक्सेस जो है कि लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। और जब तुम हीरो हो गए तो तुम सिर्फ पेन से लिख कर, ठीक है, दुनिया में चेंज ला सकते हो, अपने सोसाइटी में चेंज ला सकते हो, अपने कंट्री में चेंज ला सकते हो, दुनिया में ला सकते हो। तो कौन ज्यादा पावरफुल है, पेन या सॉर्ड? पेन सर, पेन। पेन, ठीक है। तो यहां पे इट वाज फियर दैट इफ देयर वाज नो कंट्रोल ओवर व्हाट वाज प्रिंटेड एंड रेड देन रिलीजियस एंड इररिलीजियस थॉट माइट स्प्रेड, सॉरी रिबेलियस, इट इज रिबेलियस, तो लोग रिबेलियस होंगे, इररिलीजियस थॉट जो है कि लोगों के दिमाग में आएंगी और फिर वो हमारे ही लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाएंगे कि इसमें ऐसा क्यों दिया है, क्या रीजन है ऐसा लिखने का आपके अथॉर आपके लिटरेचर में, वो डिस्ट्रॉय होती चली जाएगी, ठीक है। अब जैसे इंडिया में राजा राममोहन रॉय ने कहा कि ये सती प्रथा सही नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है बट ये सही नहीं है, इसे बंद होना चाहिए, लोगों ने कहा हाँ ये सही है। सती प्रथा आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, बंद हुआ वो, नॉलेज स्प्रेड हुआ तभी तो हो पाया, नहीं तो एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी थी, उन्होंने कह दिया ऐसा होना चाहिए, लोगों ने कहा ठीक है आप जो है कि आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, प्रीस्ट हैं आप, आपने ओवरऑल जो है कि जो है कास्टिज्म को बनाया है तो उसके हिसाब से आप जो कहेंगे वो ही शायद लगता है सही है, उसी को होना चाहिए।
राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप यहां तक लेटेस्ट क्लियर है। यस सर यस सर लेट अस कंसिडर द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इन वन स्फीयर ऑफ लाइफ इन अर्ली मॉडर्न यूरोप नेमली रिलीजन इन 1517 द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर रोट वेरी बैक टू इंपॉर्टेंट। फाइव थीसिस यस सर मार्टिन लूथर रोट 95 थीसिस क्रिटिसाइजिंग मेनी ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस वाज पोस्टेड ऑन अ चर्च डोर इन विटेनबर्ग इट चैलेंज्ड द चर्च टू डिबेट हिज आइडियाज Luther's writings were immediately reproduced in vast numbers and read widely. This led to a division within the church and to beginning of the Protestant Reformation. Luther's translation of the New Testament sold 5,000 copies within a few weeks, and a second edition appeared within 3 months. Deeply grateful to print, Luther said, "Printing is the ultimate gift of God and the greatest one." Several Underline scholars, very, very, very important. yes, sir. Several scholars, in fact, think that print brought about a new intellectual atmosphere and helped spread the new ideas that led to Reformation. तो आप लोग ये नाम सुने हैं, प्रोटेस्टेंट कैथलिक्स, यस सर यस सर तो यही तो है। मैंने आप लोगों को वहां पे ही बताया था, शायद मैंने आप लोगों को डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी में बताया इसके बारे में, ठीक है। कैथलिक प्रोटेस्टेंट्स क्रिश्चियनिटी के ही हैं, बट एक कहते हैं कि रीजन बताओ, कैथलिक्स कहते हैं कि भाई जो चर्च है उसके पास सोल अथॉरिटी है बाइबल को इंटरप्रेट करने की, और प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि लेट्स हैव अ डिबेट, आप ही सोल उनके जो है कि रिप्रेजेंटेटिव हो, ये कहाँ से बात आ गई? आपको किसने ये अथॉरिटी दी है कि आप इतना ज्यादा प्रिविलेजेस एंजॉय करते हो? गॉड तो गॉड है, वो किसी के लिए, वो सबके लिए है, ठीक है। मेरा डायरेक्ट कनेक्शन गॉड से होगा, आपसे नहीं। आपके थ्रू कनेक्शन होना जो है कि मुझे इलॉजिकल लग रहा है। तो दिस इज व्हाट हैपेंड ओवर हियर, मार्टिन लूथर। अच्छा, आपने कहीं और भी पढ़ा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर? कहाँ यस सर यस पढ़ा सर है? रेसिज्म में पढ़ा था हमें सर जो सिविल राइट्स ब्लैक्स के राइट्स के लिए था यस, सिविल राइट मूवमेंट, सिविल राइट्स मार्टिन सर लूथर। अपार्थाइड रिजाम के अगेंस्ट भी था हाँ, कब से कब तक था? सर 55 1755 से 1955 से 1964 सर आई थिंक नहीं कुछ पहुंच पाए पूरा। सर थोड़ा सा शायद 11 ईयर्स था सर 9 ईयर्स था ऐसे कुछ था बाकी लोग बताओ भाई, सिविल राइट मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? सर 57 to 64 57 से 64 है। मनोज कुमार, यस सर बताओ कब शुरू हुआ था? सर कंफर्म याद नहीं आ रहा सर 1963 में शायद उन्होंने स्पीच भी दिया था आई हैव अ ड्रीम करके किसी को याद नहीं है? सर 1954 के आसपास हुआ था स्टार्ट 1954 से? हाँ ठीक है, और सर आगे का नहीं पता सर 1968 तक सर चेक कर लिया अभी हाँ ठीक है, 1954 से 60। 1968 यस सर चलो, तो ये तो आप लोगों की याददाश्त है, ठीक है। अभी आप लोगों से ये भी अगर मैं पूछ लूं कि जो चाइना का फेमाइन आया था, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी में, ठीक यस सर है, तो आप वो चाइना फेमाइन का टाइम पीरियड नहीं बता 1958 पाओगे? टू 1961 यस सर 61 ये है तो कि याद 62 है? 61 ही था सर 3 साल का था ये याद है कितने लोग मरे थे? ठीक, सर आई थिंक 3 मिलियन 3 मिलियन लोग के हाँ तो यहाँ पे मार्टिन लूथर ने 95 थेसेस लिखा, और उन्होंने क्रिटिसाइज किया रोमन कैथोलिक चर्च को कि भाई आप जो रिचुअल्स हैं उनके बारे में, लेट्स हैव अ डिबेट, चैलेंज उनको पोस्ट किया, ठीक है, विटनबर्ग के चर्च के डोर पे, ठीक है, और डिबेट के लिए लोगों को, उन वहां के लोगों को बताया, बुलाया, ठीक है। और इन्होंने जो भी लिखा लूथर ने, सभी ने उसको पढ़ा और एक्सेप्ट किया कि दैट व्हाट एवर लूथर हैज रिटन इट हैज अ लॉजिक, एंड ड्यू टू दिस इट लेड टू अ डिवीजन, और ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू हो गया। और ये इन्होंने जो थेसिस था न्यू टेस्टामेंट, इसके 5,000 कॉपी बिके हैं,
कुछ ही हफ्तों में, और फिर सेकेंड एडिशन 3 महीने में आता है, वो भी बहुत बड़े पैमाने पे बिकता है। तो इट मीन्स, और उन्होंने वहां पे कहा कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वॉन्ट, वट एवर आई एम ट्राइंग टू कन्वे इट इज बिंग कन्वेड ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग, राइट, एंड इट इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड, इज दिस क्लियर, एंड द ग्रेटेस्ट वन। यस सर, मींस व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंजेस आई एम लुकिंग फॉर टू हैव इन आवर सोसाइटी दैट इज बीइंग पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, अदरवाइज इट वुड नॉट हैव बीन ऑफ सच मच, इट वुड नॉट सो मच बी इम्पैक्टफुल और हैड एन इम्पैक्ट ऑन द पीपल एट लार्ज। ठीक है, तो ये याद रखिए, कोटेशन कई बार एनटीएससी के एग्जाम में आया हुआ। इज दिस क्लियर? यस यस सर यस एनी डाउट एनीवन हैज? नो नो सर। सर मेन प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी क्या थी सर, एक बार ये बता दीजिए। प्रोटेस्टेंट दे आर आइडियोलॉजी ये थी कि दे आर चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च, यस सर। दैट्स इट। ओके सर। तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, अ 16th सेंचुरी मूवमेंट टू रिफॉर्म कैथोलिक चर्च डोमिनेटेड बाय रोम। मार्टिन लूथर वाज वन ऑफ द मेन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर। सेवरल ट्रेडिशन ऑफ एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी डेवलप्ड आउट ऑफ द मूवमेंट। समझ में आ रही है बात? यस सर। मीन्स अब आपने जब ब्रिटेन के बारे में पढ़ा और आयरलैंड के बारे में पढ़ा, तो यू फाउंड दैट देयर वाज अ की डिफरेंस बिटवीन द टू। द ब्रिटेन वाज डोमिनेटेड बाय प्रोटेस्टेंट एंड आयरलैंड वाज डोमिनेटेड बाय कैथोलिक्स, बट एट द सेम टाइम नदर्न आयरलैंड वाज डोमिनेटेड बाय प्रोटेस्टेंट। दैट्स व्हाई ब्रिटेन वांटेड टू इंक्लूड नदर्न आयरलैंड विथ इटसेल्फ, प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट, ठीक है, एंड वांटेड टू बिल्ड अप अ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, एंड दे बिल्ड इट। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये आपने पढ़ा है वहां पे भी, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में, यस सर। प्रोटेस्टेंट कैथलिक जब शुरू करोगे ना, तो वहां पे ये बात आएगी फिर से। प्रिंट एंड डिसेंट, प्रिंट और डिसेंट क्या है, रीड करो, कौन पढ़ेगा, मानस पढ़ो। यस सर। प्रिंट एंड डिसेंट। प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिम्युलेटेड मेनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ इवन अमंग लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल। इन द हाँ, 16th सेंचुरी मेनुकियो अ मिलर इन इटली अंडरलाइन कर जाओ, वेरी बिगैन इंपॉर्टेंट। टू रीड बुक्स दैट वर अवेलेबल इन हिज लोकैलिटी। ही री इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल एंड फॉर्मुलेटेड अ व्यू ऑफ गॉड एंड क्रिएशन दैट इनरेज्ड द रोमन कैथोलिक चर्च। When the Roman Church began its inquisition to repress heretical ideas, Manuccio was hauled up twice and ultimately executed. वेट वेट, क्या हो रहा है यहाँ पे कि प्रिंट के जरिए हुआ क्या है कि जो थोड़े बहुत भी एजुकेटेड थे वर्किंग पीपल, वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी अपना एक वे अपने डेवलप कर रहे हैं, अपना एक लॉजिक डेवलप कर रहे हैं। इसका एग्जांपल लिया गया इटली में मेनोकियो का। ठीक है, किताब पढ़ के उसने क्या किया, नॉलेज गेन किया, और बाइबल का मैसेज, जो बाइबल में मैसेज है, उसको अपने तरीके से इंटरप्रीट किया। ठीक है, और कहा कि गॉड एक्चुअल में ये कहना चाहते हैं, जो कैथोलिक चर्च कह रहे हैं वो गलत है। उन्होंने अपने तरीके से गॉड और क्रिएशन को बना दिया। किसने? मिनोकियो ने, कि गॉड ऐसे हैं और मैं जो है कि ओवरऑल वर्ल्ड का क्रिएशन ऐसे हुआ, कुछ ऐसा बताया जो रोमन कैथोलिक चर्च की बिलीव के अलग अगेंस्ट था, जो टीचिंग थी रोमन कैथोलिक चर्च की उसके अगेंस्ट थी। रोमन कैथोलिक चर्च को पता लगता है, ठीक है, वो अपने कोर्ट इंक्विजिशन, ठीक है, इंक्विजिशन में उसको जो है कि वहां पे ट्रायल शुरू होता है, और हेरिटिकल आइडियाज, हेरिटिकल आइडियाज मतलब वो आइडियाज जो कि चर्च को ओबे नहीं करते हैं, ठीक है, वो जो है कि उसके ऊपर वो चार्जेस लग के उसके ऊपर हियरिंग शुरू होती है। मोनाकियो को समझाया गया 2 बार, ठीक है, पनिश किया गया, समझाया गया, नहीं माने, और फिर बाद में उसको क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब रोमन चर्च को लगता है कि जो हमारी टीचिंग है उसका इन्फ्लुएंस
इस तरीके से क्या होगा, कम होगा। अगर मिनोकियो ये कह रहा है कि बिना हम रोमन चर्च के ही गॉड को पा सकते हैं, तो जो रोमन चर्च का ये कहना है कि हमारे पास पूरा श्योर अथॉरिटी है, आपको अगर गॉड से मिलना है तो हमारी टीचिंग्स को मानना पड़ेगा, जैसा हम बताएं वैसा करना पड़ेगा, तब तो रोमन चर्च की अथॉरिटी बनी रहेगी, अदरवाइज अथॉरिटी क्या हो जाएगी, डिमिनिश्ड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर, यस सर, तो ये यस। मेनोकियो के हेल्प से यहाँ पे ये बात बताई जा रही है। तो अब इस तरह के रीडिंग से, इस तरह के जो है क्वेश्चनिंग से, क्वेश्चनिंग ऑफ फेथ से वो डरे हुए हैं, और कई सारे उन्होंने कंट्रोल लगाते हैं, वो सीवियर कंट्रोल्स लगाते हैं किस पे, पब्लिशिंग पे, बुक सेलर्स पे, ठीक है। और एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558, मीन्स विच बुक्स विल बी अलाउड और विच बुक्स विल नॉट बी अलाउड विल बी डिसाइडेड बाई द अथॉरिटी, एंड डू यू थिंक दैट इट इज अ काइंड ऑफ सेंसरशिप? यस सर, यस सर, यस सर, बिगिनिंग ऑफ सेंसरशिप। ठीक है, एक सेंसरशिप ही तो है। यस सर, इज दिस पैराग्राफ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्रिंट एंड डिसेंट? यस सर, यस यस सर, सर। चलो द रीडिंग मैनिया। अब एक यहाँ पे नया द रीडिंग मानिया शुरू होता है। अभी क्या है, कंटिन्यू करो। द रीडिंग मैनिया। Through the 17th and 18th centuries, literacy rates went up in most parts of Europe. Churches of different denominations set up schools in villages, carrying अंडरलाइन literacy to peasants and artisans. By the end of the 18th century, in some parts of Europe, the literacy rates went as high as 60 to 80%. As literacy and schools spread in European countries, there was a virtual reading mania. People wanted to read and Printers produced books in ever increasing numbers. ये बात समझ में आ रही है। 17-18 सेंचुरी में अभी जो यूरोप में लोग इलिटरेट थे, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, लिटरेट हो रहे हैं, लिखना पढ़ना जानना शुरू कर दिया उन्होंने। चर्चेज ने भी धीरे धीरे अलग अलग डिनोमिनेशन की स्कूल वगैरह खोलने शुरू कर दिए, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी गई, ठीक है। पेजेंट्स आर्टिजन्स ये लोग भी अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो परसेंटेज थी लिटरेसी रेट की, वो क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई। अब जब लिटरेसी रेट बढ़ती चली जाएगी तो ऑब्वियसली एक रीडिंग मेनिया भी क्या होगा, क्रिएट होता चला जाएगा। सपोज कल को तुम नहीं कुछ पढ़ना लिखना जानते थे, आज के डेट में पढ़ना लिखना जानते हो, तो आपको नहीं लगता कि आप जो है अलग अलग किताबें पढ़ सकते हो, आज के डेट में कुछ कहा जाए, कुछ लिख के दिया जाए तो उसको पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो, अपना एक रीजन डेवलप कर सकते हो, लॉजिक डेवलप कर सकते हो? यस सर, हो सकता है ऐसा? यस सर, यस सर, और इससे पब्लिशर्स को क्या होता था, इससे पब्लिशर को फायदा, भाई ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, ठीक है। इसीलिए आज के डेट में ऑथर्स राइटर्स ऐसे खोजे जाते हैं जो ऐसे इन्फ्लुएंशियल बुक लिखें जो कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, पब्लिक डोमेन में बिके, ज्यादा से ज्यादा कॉपीज उसकी बिके, ठीक है, और पब्लिशर्स को फायदा हो उससे, राइटर्स को भी फायदा होता है। जानते हो ऑथर राइटर्स जिनकी बुक्स काफी फ्लरिश करती हैं? और जैसे अब तुम लोग अभी 10th में हो, 11th में जाओगे तो एक फिजिक्स की बुक आएगी, H.C. वर्मा, यस सर, नाम सुना है आपने, यस सर, यस यस सर, सर, ठीक है। तो एक इन्फ्लुएंशियल राइटर है, फिजिक्स के जो है अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स उनके जो है किताब में दिए गए हैं। रिसेंटली उनको कोई जो है अवार्ड वगैरह भी मिला है, पद्मश्री, पद्मश्री, पद्मश्री अवार्ड, ठीक है। यू मे कंटिन्यू। यस सर। New forms of popular literature appeared in print, targeting new audiences. Booksellers employed peddlers who roamed अंडरलाइन। around villages, carrying little books for sales. अच्छा दे, Their अच्छा आपने ये बताओ, आपने लाइफ में कभी देखा है कि आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो, या फिर किसी जो है कि ट्रेन में, लोकल्स में ट्रैवल कर रहे हो, तो बीच में कोई एक आ जाए और बीच में खड़ा होकर और किताबें, किताब दिखाए और उसके बारे में बताए और उसको सेल करे डायरेक्टली, कभी ऐसा फेल किया है, फेस किया है आपने लाइफ में, किताब हो, पेन हो, या फिर खिलौने हो, यस सर, ठीक है, वो उसको बताते हैं और सेल करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, एक डायरेक्ट सेलिंग है, ठीक है, कंज्यूमर को जो है कि जहां से बन रहा है, ठीक है, वो डायरेक्ट अपनी क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस को सेल कर रहे हैं, सस्ते दामों में वहां पे सेल आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब लोग पढ़े लिखे हैं तो लोगों को, अब लोगों के इंटरेस्ट भी क्या है, अलग अलग है,
जरूरी नहीं है तुम जैसा सोचते हो तुम्हारा बगल वाला भी वैसे ही सोचता है, तुम्हारे जो इंटरेस्ट पॉइंट है हो सकता है उनके इंटरेस्ट पॉइंट ना हो। द नोशन ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल, पढ़ा भी है ये आपने। यस सर, नॉट ओनली डेवलपमेंट है ना, मेनी अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट। अब किताबें हैं तो लार्जर ऑडियंस तक पहुंचाना है तो ऐसी कोई किताब लिखो जो सबको पसंद आए, ये क्या होगी, ये क्या होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि डाइवर्सिटी है, मेजॉरिटी को पसंद आए ये कोशिश करनी होगी। डेमोक्रेसी पे पढ़ा है आपने, ऐसी इस तरीके से पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ही बनते हैं, राइट? यस सर। देखो मेरी क्लास को अगर अच्छे से समझोगे पढ़ोगे तो लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा अल्टीमेट क्या है, ध्यान से बस समझना है उसको, क्या कह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे भी किताबें अगर छपनी है तो किताबें कैसे छपनी चाहिए, डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, अलग अलग टॉपिक पे बननी चाहिए, ठीक है, जिससे कि लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या किया जा सके, कवर अप किया जा सके, कोशिश तो यही की जाएगी। तो कुछ ऐसी किताबें बनाओ जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको क्या करें, प्रिफर करें, खरीदें। तो एल्मेनेक्स और रिचुअल कैलेंडर्स, ठीक है, फोक टेल्स, बैलाड्स, ठीक है, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें पे अब डोमेन्स पे किताब लिखना शुरू कर दिए गए। इंग्लैंड में एक पेनी चैप बुक्स, अंडरलाइन करिएगा, बहुत बार पूछा गया है एनटीएससी में। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स वर कैरिड बाय पेटी पेडलर्स नोन एज चैपमैन। चैपमैन चैप बुक लेकर क्या करना है, घूम रहे, पेनी चैप बुक, पेनी दीजिए और पेनी यू नो करेंसी, यस सर, ठीक है, आपको आपको वो बुक मिल जाएगी एंड सोल्ड फॉर अ पेनी, पेनी में मिल जाता है, सो दैट द इवन द पुअर कुड बाय देम। अब ये बताओ पुअर के भी, अगर आप पुअर को भी कवर अप कर लोगे तो आपकी सेलिंग बढ़ेगी फर्दर, यस सर। पहले तो आपकी किताबें पहले कौन खरीदेगा, जो अमीर है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि किताबें बस अमीर खरीद रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये महंगा है, थोड़ा सस्ता करते हैं, थोड़ा चीप करते हैं इसको, ठीक है, तो मिडिल क्लास भी उसको फिर खरीदना शुरू कर देंगे। फिर सोचोगे अब क्या करें, इसको और सस्ता कर दें कि ताकि पुअर्स भी खरीदें, ठीक है, तो और जो है कि उसको पेजेस वगैरह सस्ता कर दोगे। आज के डेट में देखो तो रफ कॉपी भी अवेलेबल है, रफ कॉपी जानते हो, एक मैथ्स को लगाने के लिए एक अलग से सेपरेट रफ कॉपी आती है। यस सर, आप में से अगर कुछ लोग अच्छे अच्छे कॉपी में जो है कि एक कॉपी आएगी 40-50 रुपीज की, ठीक है, काफी अच्छी क्लासमेट वाली कॉपी, एक आएगी 20 रुपए में, उतने ही मोटी रफ जो सिर्फ मैथ लगाने के लिए होती है, yes, sir. ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, इसको प्रैक्टिस करो, फिल करो, फेंक दो मतलब हटा दो, क्योंकि मैथ तो प्रैक्टिस पे ही है सारा कुछ, आपको कोई ना कहीं एक जगह चाहिए जहां पे आप प्रैक्टिस कर सको। और पुअर पीपल, उनके लिए भी एक जो है कि कॉपी चाहिए जिसपे वो लिख सके, पढ़ सके, तो पुअर क्वालिटी का पेपर इस्तेमाल करके ऐसे नीड्स को क्या किया जाता है, फुलफिल किया जाता है। तो यहाँ पे पेनी में चैप बुक्स बेचे जा रहे हैं पुअर्स के। फ्रांस में बिलियोलिथिक ब्लू, ठीक है, क्या है, अ लो प्राइज्ड स्मॉल बुक्स प्रिंटेड ऑन अ पुअर क्वालिटी पेपर, समझ में आ रहा है, पुअर क्वालिटी पेपर, अभी एक मैंने एग्जांपल दिया है, यस सर, एंड बाउंड इन चीप ब्लू कवर, चीप ब्लू कवर में इसको है बाउंड करके बेचते हैं, ठीक है। देन देयर वर द रोमांसेस प्रिंटेड ऑन 4-6 pages एंड द मोर सब्सटैंशियल हिस्ट्रीज, right, which was stories about the past, books were of various size, serving many different purposes and interest. ठीक है, तो in order to cater the diversity, in order to fulfill the needs and aspiration of the majority, right, different books were printed on different domains, on different topics, so that more and more selling could be done. Ultimately, है क्या ये? Trade? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बात समझ में आई सभी को? यस यस सर। ठीक है, ये चैप बुक याद रखिएगा, चैप बुक क्या है, ठीक है, डिनोमिनेशन एल्मेनेक, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल डेटा, इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट ऑफ द सन एंड मून, ठीक है, टाइड्स, एक्लिप्स, इस सब के बारे में, आई थिंक ये सब सारी चीजें आप साइंस से रिलेटेड है जानते होंगे। यस सर। यस सर। यस सर। चलो रीडिंग कंप्लीट करो इसका पूरा। यस सर। देयर वर एल्मेनेक्स और रिचुअल कैलेंडर्स अलोंग विद बैलेड्स एंड फोक टेल्स, बट
other forms of reading matter, largely for entertainment, began to reach ordinary readers as well. In England, penny chapbooks were carried by petty peddlers known as chapmen and sold for a penny so that even the poor could buy them. In France, were the bibliothèque bleue, which were low-priced small books printed on poor quality paper and bound in cheap blue covers. Then there were romances printed on 4 to 6 pages and the more substantial histories, which were stories about the past. Books were of various sizes, serving many different purposes and interests. The periodical press developed from the early 18th century, combining information about the current affairs with entertainment. लो अब डोमेन बढ़ा दिया गया, ठीक है, करंट अफेयर्स भी डाल दो उसमें, एंटरटेनमेंट भी डाल दो, ठीक है, वॉर ट्रेड इसके बारे में भी लिखो, ठीक है, डेवलपमेंट अलग अलग जगहों पे कैसे हो रहे हैं इनके बारे में लिखो, मतलब अलग अलग चीजें लिखो ताकि लोगों का इंटरेस्ट बने. अच्छा इसमें क्या है, थोड़ा पढ़ के देखते हैं, ठीक है. अब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो कुछ ऐसी कहानियां बनाई जाएंगी जिसको सीरीज में ला दी जाएंगी, तो लोग पागल हो जाएंगे उस सीरीज को देखने के लिए. अब बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, इसका कितनों लोगों ने इंतजार किया होगा, किया होगा? यस सर, सर किया था. अब हिटलर, सॉरी हिटलर कह रहा हूं, हैरी पॉटर अगर किसी ने वन देखा तो सोचेंगे अगर टू भी देख लेते हैं, उसमें भी कंटिन्यूड है, फिर टू के बाद थ्री भी देखेंगे हम. फोर सर सस्पेंस नहीं झेला जाता सरप्राइज के लिए, सर सरप्राइज मटीरियल, ठीक है. अब उसको क्या करोगे, अब ये तो एक तरीका था ना पब्लिशर का कि तुम किताब खरीदते रहो, उनको क्या करना है, बेचना है और तुम्हें खरीदना है, जबकि तुम भूल जाते हो कि तुम्हें तुम्हारे घर से पैसा जाना चाहिए या आना चाहिए. आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए. वो तुमको मजबूर करेंगे कि तुम अपने घर का पैसा दे कर आओ, ठीक है, तुम इम्पोर्ट करो, एक्सपोर्ट कम करो, एक्सपोर्ट के बारे में मत सोचो, ठीक है. यस सर, यस सर, रीड करो. न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स कैरीड इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर्स एंड ट्रेड एज वेल एज न्यूज़ ऑफ डेवलपमेंट्स इन अदर प्लेसेस. सिमिलरली द आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट्स एंड फिलोसोफर्स नाउ बिकेम मोर एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल. अब लोग जो है कि आज के डेट में तुम ये सारी चीजें पढ़ पा रहे हो, क्यों पढ़ पा रहे हो, पहले लिखा गया किसी ने तभी तो पढ़ पा रहे हो. अब तुमने न्यूटन का लॉ पढ़ लिया, ठीक है, तो न्यूटन ने ऐसा सोचा था, ऐसा लिखा कहीं, तब जाके तुम्हें आज एक्सेसिबल है ना. यस सर, यस सर. उन्होंने अपने जब देखा कि एप्पल गिर गया नीचे, नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक है, लॉ अपना लिख दिया उन्होंने. लॉ कौन सा लॉ है उनका, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीन लॉ है. यस सर, यस सर, ठीक है. पहला लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया, यस सर, यस सर, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया. फिर एफ इक्वल्स टू एम ए. Yes, sir. Force carried to rate change of momentum. Where every action has equal and opposite reaction. तो ये सारी चीजें बातें जब वहां पे लिखी गई होंगी तभी तो तुम आज पढ़ पा रहे हो, नहीं तो वो कहते लोग, दो चार लोग सुनते, पांचवे दिन भूल जाते, और न्यूटन फिर कुछ दिन बाद चल जाते, कोई नहीं जान पाता, ठीक है. आज तुम उसी की वजह से उस सब चीजों को जानते हो. फर्दर उसमें और भी चीजें हैं. अब लोगों ने अब वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब उस कॉन्सेप्ट को समझ के और भी रिसर्च हो रहे हैं, साइंटिस्ट बैठे हुए हैं और भी चीजों को देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं और समझ रहे हैं और लिख रहे हैं, ठीक है. अब वो जितना हो सकता है वो कुछ और इनोवेट कर लें, उसको पढ़ के किसी ने और उसमें इनोवेशन लिया है, तो इसी में यही क्या होते जा रहा है, फर्दर बढ़ता चला जा रहा है. ये आज का बनाया हुआ सब कुछ नहीं है, इसके पीछे एक हिस्ट्री है. बात समझ में आ रही है? जो भी चीजें आज आप फिजिक्स में पढ़ते हो, जो भी चीजें केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, जो भी मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हो, ये तो एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है. लोगों का दिमाग जो है काम करना शुरू करता है, लोग सोचते हैं, समझते हैं, चीजों को लिखते हैं, ठीक है, उसमें एक एक अलग अलग समय पे अलग अलग लोग आते हैं और उसमें फर्दर इंक्रीमेंट होता चला जाता है. और आज के डेट में तुम खड़े हो, ठीक है, उसके पास्ट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग साइंटिस्ट आए, बहुत सारी अपनी थ्योरीज देकर गए, वही थ्योरीज को पढ़ के आप क्या करते हो, नई नई चीजों को फाइंड आउट करते हो, फर्दर एक और थ्योरी डेवलप हो जाती है. अरे भाई ऐसा ही हो रहा है ना. यस सर, यस सर, यस सर. अब ऐसा तो है नहीं कि गॉड आ रहे हैं और सबको पढ़ा रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग है, अपना लॉजिक, अपनी थिंकिंग, उसको डेवलप कर रहे हैं सब, पढ़ पढ़ के ही हो पाएगा.
ठीक है, ओवरऑल जो रिसोर्सेज हैं इसको डिप्लीट कौन कर रहा है? ह्यूमन बींग, अपने लॉजिक से। एक लॉजिक निकाल दिया कि टेक्नोलॉजी से जो है कि रैपिड प्रोडक्शन होगा, मास प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब वो साइड इफेक्ट नहीं उस देखे। लॉजिक में ये नहीं सोच पाए कि मास प्रोडक्शन तो हम करेंगे बट इन्वायरमेंटल डैमेज का क्या? जब इन्वायरमेंटल डैमेज होने लगता है तो फिर लॉजिक लगता है कि इन्वायरमेंटल डैमेज को रोकना है हमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लॉजिक ले आया गया। अब वो क्लब ऑफ रोम से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो ये सब कुछ किसका खेल है? लॉजिक का खेल है। लॉजिक कैसे डेवलप होता है? पढ़ने से, सोचने से। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा लॉजिक डेवलप होगा, रीजन डेवलप होगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर, यस यस सर, सर, यस सर, और उसी को कहते हैं एनलाइटेनमेंट। उसी को क्या कहेंगे? एनलाइटेनमेंट। एनलाइटेनमेंट। अगर तुम एक ही डोमेन में अगर फंस गए कि हमें तो साइंस बहुत अच्छा आता है, हम साइंस ही पढ़ते चले जाएंगे, तो आप, तुम्हारा एक रेस्ट्रिक्शन हो गया। तुम साइंस में ही अच्छा कर पाओगे और एक पर्टिकुलर, एक फिजिक्स में या केमिस्ट्री में एक पर्टिकुलर सेक्शन में ही रह जाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा डोमेन को डाइवर्सिफाई करो, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ग्रैब करो। वो कहाँ से नॉलेज आ रहा है इसको मत सोचो, बस नॉलेज ग्रैब करना है ये सोचो। ज्ञान हर जगह बट रहा है, कहीं भी बैठो ज्ञान ले लो, फायदा ही होगा। कहीं ना कहीं तुम्हारी अपनी थ्योरी जो तुम डेवलप करोगे आगे आने वाले समय में, उसको तुम उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, उसमें यूज कर सकते हो। इवन योर डेली लाइफ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लर्निंग। यस सर, चलो ठीक है, यू मे कंटिन्यू। यस सर। सिमिलरली द आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स नाउ बिकेम मोर एसेसिबल टू कॉमन पीपल। एंशियंट एंड मेडिवियल साइंटिफिक टेक्स्ट वर कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड एंड मैप्स एंड साइंटिफिक डायग्राम्स वर वाइडली प्रिंटेड। व्हेन साइंटिस्ट्स लाइक आइजैक न्यूटन बिगैन टू पब्लिश देयर डिस्कवरीज दे कुड इन्फ्लुएंस अ मच वाइडर सर्कल ऑफ साइंटिफिकली माइंडेड रीडर्स। द राइटिंग्स ऑफ थिंकर्स सच एज थॉमस पेन, वॉल्टेयर एंड जीन जैक्स रॉसियो वर ऑल्सो वाइडली प्रिंटेड एंड रेड। Thus, their ideas about science, reason, and rationality found their way into popular literature. Is this clear to all of you? Yes, sir. Yes, yes sir. Yes, sir. Any doubt anyone has? No, sir. No, sir. चलो तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वी विल कंटिन्यू विद दिस। अपना नोट्स जरूर बना के आइएगा, ठीक है? नोट्स सेंड करिए, पढ़ के जरूर आइएगा, Yes, राइट? यस सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय एवरीवन।